प्रदेश के खनिज मंत्री और सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे। इस दौरान ब्रजेंद्र सिंह ने एनसीएल की जैंद परियोजना की कोल खदान का निरीक्षण किया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने जिले में स्थापित एनसीएल की जैंद परियोजना की कोल खदान का निरीक्षण किया। इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी विभाग प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की और कलेक्ट्रेट परिसर में हरियाली महोत्सव के अंतर्गत पौधे भी लगाए। इसके बाद जिला अस्पताल सह ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंगरौली जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इन संसाधनों के माध्यम से जिले और प्रदेश में विकास के कार्य किए जाएंगे। वेरी दूरस्थ हमारा जिला है, लेकिन कई मामला में बहुत पीछे है और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे काम करने की है और यहाँ पे मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं आज हमने माइंस भी विजिट की, हम एनटीपीसी के उस ऑफिस में भी हम गए, वहाँ पे हमने उसका वो देखने का प्रयास किया और आज एक, क्योंकि मैंने सिंगरौली में पहले कभी भी इतनी नज़दीकी से नहीं देखा था और इसलिए मैं एक प्रदेश कार्य समिति में जरूर आया था, चला गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।